मान्यवर हाइकोर्टों निर्देश को मानिला नहीं पुलिस। हाइकोर्टर मध्यवित्तकालीन रिहाती देश सत्वे राति अधरे गाँव में पशि जुलम कला पुलिस। जुलम्रु बाद पड़ नाला मानसिक विकृत युवक। युवकर आक्रमण में महिला पुलिस गुरुतर आहत हो कटक बड़ मेडिकल चिकित्सित होता बेले पुलिस उपर ग्रामवासी आक्रमण कर दर्शाई पुलिस मामला रुजु कर गिरफ हवा भय गाँ हो पुरुष शून्य। यह घटना घटी जगत सिंहपुर जिला तीर्तोल थाना अंतर्गत सिरोल ग्राम से। एप्रिल 7 तारीख में जमिजमा गंडगोल को नहीं अशोक कुमार राउत को से ही ग्रामर प्रसन्न लेंका और तांको पुआ मरणांतक आक्रमण करते। आक्रमण में उत्तेजित हो ग्रामर केतेक लोक प्रसन्न घर उपर आक्रमण करते प्रसन्न। तेज प्रसन्न लोक लगे निज घर भंगारुचा कर ग्रामवासी मुंडर अठा बोलने को उद्यम कर ग्रामवासी प्रति अभोग करते। राति गोटाए आसी आम शोथ्वा अवस्था गोटे घरे धक्का मारी कबाट भांगी घरे पशि गोटे मानसिक पिला को आरेस्ट करने समय रे जो एमती बाड़े मैंने आरेस्ट करमती बाड़े से पर्यटन मानते उठी भी चली भी पारूनी जो दुखर विषय प्रबल एमती जब पुलिस मैंने करें आम गाँव ग्रामवासी मैंने क्या उपर ई कर तो एमती हवा अवस्था से पिलाटी बहुत असुस्थ एमती गंडगोल गाँव अवस्था आज्ञा पुरुष शून्य मैंने गोटे भी पुरुष ना स्त्री लोक मैंने पिला छुआ नहीं बहुत भयभीत अवस्था अच्छा एमती कि रात शोई भी पार नहीं पुलिस मैंने एमती जुलूम कर मैंने कबाट बाड़े मानने कबाट बाड़ जो न कहिया भल से एमती कबाट बाड़ भांगिकी भी एमती दरकार पड़े घर पशि पिला छुआ नहीं घर रही पार आम प्रशासन ठार कि चाहूँ आम चाहूँ एम तो हईरा कौन करी कहल औषध टिके पाउनी मो हे गोटे बिल पु आषध टिके पाउनी खाया को मोर डायबिस रोगी ब्लड प्रेशर रोगी आती मरी मरी बंची आ कौन करी जहा घर पाऊँ तो घर बाड़ी मो घर बाड़ेनि हेले तो एमती करो पु घरे ना मुमी चल। यही घटना तीर्तोल थाना ग्रामर 15 जन नाम मामला रुजु होता बेले अभियुक्त मैंने हाइकोर्टर मध्यवित्तकालीन रिहाती देश में जमिन आसी। हाइकोर्टर रिहाती देश सत्वे गत 5 तारीख विलंबित राति में तीर्तोल पुलिस एक टीम सिरोल ग्राम से चढ़ाऊ कर कबाट बाड़े लोकों हैरान करने एक मानसिक विकृत युवक देवाशीष बारी को मारधर कर। युवकटीर प्रति आक्रमण में एसआई नीलम सरेंग आहत होता बेले एएसआई सुषमा मुदुली मुंडफाटी गुरुतर आहत होते। देवाशीष और ता बड़ भाई कौन सी घटन जड़ित न थाई मध्य पुलिस जुलमर शिकार होता तांको बापा अभियोग करिबा सह से जे कोनसी अघटन पई पुलिस दायी रहिबो बोली से प्रकाश करछन्ति। मु गारे न थाई रे मध्य मते से केस रे संपुत करिछन्ति तापर मु हाई कोर्ट रो द्वारस्थ होई ता धरे मध्य बेल होई गत 5 तारिख दिन राति गोटे सुधा मु भी गाँव में ना घरे ना आम घरे पशि जहाँ शुणुवा गाँ लोक कहते तीन टा दुई जन को तीन जन को धरी सारापुर आम घर बारिपट पछपटे कबाट भांगी घर भितर पशि गोटे पु मोर देह खराब बात मागे मारे जहाँकि दीर्घ दिन धरिक मेडिसीन खाऊ ताकु धरी बाड़िया पिटा मैंने सीरीयस हिसाब से कर गाँवर स्त्री लोक मैंने डाक बोलते गोटे पगल छुआटा से बात मारे कहीं मार्च कहीं मार्च ना ता पगल आम ये छड़ेदेबू एमती भाषा अभ्यास कही उड़ाई मारिक मरतम आगे जहाँकि तर सेन्स नाला से गाड़ी टेकिक नहीं गाड़ी पकईकिपर से आवस्था भल ना मु गरीब लोक मोर रोजगार ना मोर मध्य स्त्रीटी आ बड़ पुओटी बर्षे हैनी मरी जा मोर निजर भी मानसिक अवस्था मान हाई बीपी रोच मेडिसीन खाऊ ये अवस्था चलती आपर्तंत मुना ये चिंताधारा करी कि गोटे जहाँकि दरकार पड़े मुझे केस हाइकोर्टर द्वारस्थ होगी जहाँकि न्याय पाया मो पुअर जो अवस्था है मोर जदि किसी है से दायी तीर्तोल पुलिस थाना। पुलिस ग्राम लोकों उपर जुलम और पुरुष शून्य गाँव में केमिति रे महिला अभियोग सुरक्षार दाबी कर
अन्यपक्ष पुलिस एसटीपीओ मामलार जांच और उचित कार्यानुष्ठान प्रकाश कर अनकनसीयस नुहे जो मैंने हाईकोर्ट बेल इंटरव्यू पड़ता पुलिस के आरेस्ट करना जो मैंने किसी लोक जहाँ कहले किसी लोक इंटरव्यू प्रोटेक्शन अच्छा मत अदर दैन दैट ग्रुप ऑफ पीपल आउ अन्य जो मैंने अच्छा से पुलिस गिरफ्त कराइला बाकी स्पेशल जो पांच जन आरेस्ट होते हाईकोर्ट इंटरव्यू प्रोटेक्शन कहीं ना व्यतीत बर्तमान पुलिस जहाँ गिरफ्त करती पुलिस को आसल्ट करवा केस गिरफ्त होती ता व्यतीत से गाँव में अनेक लोक से जो पसंद लगा घर को भांगे समय आक्यूज थे आरु केते लोक आठ नौ जन लोक हाईकोर्ट इंटरव्यू प्रोटेक्शन अच्छा से पुलिस कदापि गिरफ्त करने चेष्टा ही करनी उद्यम भी करना से अभियोग क्या पर कहींपर ना कि स्पष्ट भाव आप देखुचे पुलिस मणत्म आक्रमण हो से जो महिला सब इन्स्पेक्टर और एएसआई से गुरुतर आहत होती मुंडे छः सतटा स्टिच पड़े और स्टिल नाउ दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट एससी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटक प्रति पुलिस क्या आक्रमण करा गोटे भित्तिहीन कथा पुलिस क्या आक्रमण करार कौन जस्टिफिकेशन ना। तिर्तोल नलिनीकांत रिपोर्ट मेट्रो टीवी ओडिशा।